साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आपके NIOS के एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, तो इसमें NIOS में आपके जो पेपर स्टार्ट हैं वो 6, ये नोटिफिकेशन है 6 मार्च का। जो NIOS के 10th और 12th के बच्चे हैं इनका आपका जो एग्ज़ाम है ये 6 अप्रैल से शुरू होगा नोटिफिकेशन के अंदर। और अब यहाँ पे डेट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए हर एक उसका। ये 10वीं क्लास के बच्चों का है, 12वीं के, ये 12वीं के बच्चों का है, और ये आपके 10th, ठीक है जी। तो 6 अप्रैल को है, 6 अप्रैल को 12वीं वालों का संस्कृत का है, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन, यानी 309 और 376। टाइम जो है आपका 2:30 से 5:30 तक का, ठीक है। इसके बाद 10वीं वालों का है, 10वीं वालों का सिर्फ एक ही पेपर है, हिंदुस्तानी संगीत 242। इनका टाइम 2:30 से 4:30 का, यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद 10 अप्रैल यानी मंडे के दिन है, 12वीं वालों का उर्दू का है, 2:30 से 5:30 यानी 2:30 से 5:30, और 10वीं वालों का संस्कृत 209 है, 2:30 से 5:30। इसके बाद यानी 11 अप्रैल को है, एक दिन बाद पेंटिंग का 332, 2:30 से ये आपका 4:00 तक कराएगा, 1.5 घंटे का टाइम। जबकि 10वीं वाले जो है उनका डेटा एंट्री का है 229, और आपका टाइम 2:30 से 4:30 रहेगा, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। फिर उसके बाद 12 अप्रैल का है वेटनसडे का, इकोनॉमिक्स का 12वीं वालों का 318, 2:30 से 5:30 तक का रहेगा। जबकि 10वीं वालों का 212 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो 2:30 से 5:00 तक का रहेगा, 2.5 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद है 13 अप्रैल को, अब इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें, इसमें से कोई एक आपकी लैंग्वेज होगी उसका होगा, 2:30 से 5:30 तक का टाइम है। अगर बंगाली है, तमिल है, उड़ियाई है, गुजराती है, पंजाबी है, अरबिक है, पर्शियन है, मलयालम है, सिंधी है, इनमें से कोई भी आपका पेपर हो वो 13 अप्रैल को होगा, 2:30 से 5:30 तक, 12वीं वालों का। जबकि 10वीं वालों का जो है वो 13 अप्रैल को पेंटिंग का है और संस्कृत विद्या, दोनों में से कोई एक आपका पेपर होगा वो यहाँ पे होगा, 2:30 से 4:00 तक, ठीक है जी। इसके बाद आगे 17 अप्रैल यानी मंडे को 12वीं वालों का होम साइंस का है, 321, 2:30 से 5:30 तक, और 12वीं वालों का, और 10वीं वालों का सोशल साइंस है 213, 2:30 से 5:30 तक। फिर उसके बाद 18 तारीख को है, 12वीं वालों का है 2:30 से 5:30 के बीच, कंप्यूटर साइंस का, फिज़िकल एजुकेशन का, सोशियोलॉजी का, भारतीय दृश्यम का है, टूरिज़्म, इनमें से जो भी आपका है वो 18 तारीख में, और 10वीं वालों का इंग्लिश का है 2:30 से 5:30 तक। इसके बाद जो है 19 अप्रैल में 12वीं वालों का 2:30 से 5:30, 2.5 घंटे का टाइम है, केमिस्ट्री का है, वो भी 19 अप्रैल का है, चाहे आपका पॉल का हो, मास कम्युनिकेशन का हो, मिलिट्री स्टडी का हो, संस्कृत का हो, 12वीं वालों का 19 अप्रैल वेटनसडे बुध के दिन। जबकि 10वीं वालों का जो है साइकोलॉजी का है 222, और संस्कृत सहानी है, इनका भी 2:30 से 5:30 के बीच। उसके बाद आगे चलते हैं, अब है आपका 12वीं वालों का 20 अप्रैल, 10वीं वालों का भी 20 अप्रैल है, लेकिन 12वीं वालों का 301 हिंदी, और 10वीं वालों का अकाउंटेंसी 224, 2:30 से 5:30 तक। इसके बाद मंडे 24 अप्रैल 4 दिन के, मतलब 3 दिन के बाद आपको ये टाइम मिला है, रोज़गार कौशल एंड उद्यम, 2:30 से 5:30 तक है,
एम्प्लॉयमेंट स्किल, ये भी इन्वायरमेंटल साइंस। और दसवीं वालों का जो है 206 है, और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। फिर उसके बाद अगले ही दिन 25 तारीख को है, 25 अप्रैल को, 12वीं वालों का जो है 12वीं वालों का जो है वो इंग्लिश का है, और 10वीं वालों का इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, 2:30 बजे से ये भी 5:30 बजे। इसके बाद 26 अप्रैल का है, यानी अब उसके भी अगले दिन ही, इसमें 12वीं वालों का बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, मिलिट्री हिस्ट्री, वेद अध्ययन, 2:30 बजे 5:30। और जबकि 10वीं वालों का है मैथ का, गणित, 211, 2:30 से 5:00 बजे तक। इसके बाद जो है 27 अप्रैल का है, यानी उस अगले दिन, साइकोलॉजी का 328, 2:30 बजे 5:30, 12वीं वालों का है। और 10वीं वालों का जो है वो लैंग्वेज का है, 2:30 बजे 5:30। आपकी बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, और जो भी लैंग्वेज है XYZ, अरबी हो, पर्शियन हो, वो सब जो है आपके 27 अप्रैल को। 28 अप्रैल को फिर ये भी 2:30 से 5:30 है, फिज़िक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, संस्कृत, और 10वीं वालों का हिंदी का। इसके बाद जो है 29 को है, यानी अगले दिन ही 29 अप्रैल को, ज्योग्राफिया का, भूगोल, 2:30 से 5:30। और 10वीं वालों का जो है बिजनेस स्टडी और भारतीय दृश्य। फिर जो है भाई 2 मई को है, 12वीं वालों का मैथ का, 2:30 से 5:30, और 10वीं वालों का होम साइंस, 2:30 से 5:00 बजे। फिर उसके बाद जो है 3 मई को है, वेटनसडे के दिन, डेटा एंट्री ऑपरेशन, 2:30 से 4:30, और इकोनॉमिक्स और वेद अध्ययन, 2:30 से 5:30। फिर 4 मई को है 12वीं वालों का बिजनेस स्टडी, 2:30 से 5:30, और 10वीं वालों का जो है एम्प्लॉयमेंट स्किल है, इंटरप्रेन्योरशिप है, और संगीत है, ये सब जो है 2:30 से 5:30 रहेंगे। इसके बाद जो है 6 मई को है, 6 मई के दिन है आपका हाउसकीपिंग का, डेटा एंट्री ऑपरेटिंग, 12वीं वालों का 2:30 से 4:30, जबकि 10वीं वालों का है सर्टिफिकेट इन बिजनेस कंप्यूटिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, 2:30 से 4:30। इसके बाद जो है ये उसी में ये याद रखिएगा, 6 मई वाले में, 6 मई में ये पेपर भी हैं, कभी आप भूल जाएँ, ठीक है, 12वीं वालों के ही हैं और 10वीं वालों के। अब जो आखिरी पेपर है वो है 8 मई को, 10वीं का भी और 12वीं का। 12वीं वालों का जो 8 मई को आखिरी पेपर है वो है फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन फ्रूट, डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर असम्बलिंग और योगा। जबकि जो 10वीं वाले हैं उनका जो है हैंड फूड केयर, बेकरी और सर्टिफिकेट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सर्टिफिकेट, इंडियन इकोनॉमी, ये सब योगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये पूरा ख़त्म हो जाए। इसमें कुछ टिप्पणियाँ दी हैं नोटिस के, भाई आप क्या लेके जाएंगे, तो आप जो है अपना आधार कार्ड, अपना होल टिकट, अपना NIOS की तरफ से बना हुआ ID कार्ड, ये सब लेके जाएंगे, पेंसिल, पेन, सब चीज़ें आप अपनी लेके जाएंगे, और एक्स्ट्रा कोई कागज़ वगैरह जो है नहीं लेके जाएंगे। तो ये जो है मैंने आपको पूरी डेट शीट बता दी है कि किस तरह से कौन सा जो है आपका पेपर है, कब है, किस डेट में है, ठीक है, थैंक यू।